ओडिशाकु आसिला आलुगाड़ी एवं उइपिरु ओडिशाकु आलुगाड़ी आसी पहुंचिबा परे भुवनेश्वर आईगिणारे आलुगदीरे ये आलुगाड़ी को खाली करा जाउछि। गुरुवार राज्य सरकार पक्षरु एने सूचना दिया जायथला। आज सकाळे यूपी रु गोटिए आलु बोझे ट्रक आसी पहुंचिछि आईगिणिया आलुगदीरे। पर्यायक्रमे आहुरी आलु ट्रक आसीओ बोली सूचना रहिछि। तेबे आलुगाड़ी चालक कहिछन्ति जे यूपी रु भुवनेश्वर पहुंचिबा पई 3 दिन समय लागिला। पाखापाखि दूरता 1600 किलोमीटर एथिपई अधिक 14000 टंका टोल चार्ज पड़िला बोली कहिछन्ति गाड़ी ड्राइवर। गतकाली खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिथिले एणिकि पश्चिमबंग नुहे उत्तर प्रदेश रु आसिबो आलु। आउ एथिपई आलोचना होईछि उत्तर प्रदेश रु आलु आसिले भी दर अधिक हेबो नाही। उत्तर प्रदेश रु आलु आणिबा पई बणिक महासंघ सहित आलोचना होईछि। धीरे धीरे पश्चिमबंग परिवर्ते यूपी रु आलु आणि बोली कहिछन्ति खाद्य और जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। पश्चिमबंग अपेक्षा उत्तर प्रदेश आलु क्वालिटी भल रही। बारंबार ब्लाकमेल शिकार होगा अपेक्षा स्वाभिमान सहित आम व्यवसायी व्यवसाय करे। पश्चिमबंग सीमार पश्चिमबंग पुलिस जुलम करुच्छी। पुलिस प्रशासन हईराण कर 30 किलोमीटर दूर से अटकई 40,000 और 50,000 टंका मागुंट न दे माड़ मार्ग। पश्चिमबंग सरकार आम आलु व्यवसायी को हईराण कर तेणु धीरे धीरे आम पश्चिमबंग परिवर्ते यूपी रु आलु आणी खाद्य और जोगाण मंत्री पुणर कही रखु। उत्तर प्रदेश रु ओडिशा को आसी पहुंचला आलुगाड़ी। भुवनेश्वर आईगिणियारे आलुगाड़ी आसी पहुंची उत्तर प्रदेश रु। गुरुवार राज्य सरकार पक्षर एने सूचना दि जाता। आज सका उत्तर प्रदेश रु गोटे आलु बोझे ट्रक आसी पहुंची आईगिणिया आलुगदी। पर्यायक्रमे आहुरी आलु ट्रक उत्तर प्रदेश रु आसवा नहीं सूचना रही। तेरे गाड़ी चालक जेकि उत्तर प्रदेश रु भुवनेश्वर पहुंचा 3 दिन समय लगी पखापाखि दूरता उत्तर प्रदेश रु भुवनेश्वर पर्यंत 1600 किलोमीटर आई अधिक 14,000 टंका टोल चार्ज पड़ा बोली कहते गाड़ी ड्राइवर। गतकाली खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहते एणिकि पश्चिमबंग नुहे उत्तर प्रदेश रु आसिबो आलु। आई आलोचना जे आवश्यक पड़ो जदि आम उत्तर प्रदेश रु आलु आणपाई आम मान कि आलु ट्रक उत्तर प्रदेश रु आसी नहीं आज व्यवसायी महासंघ बणिक संघ व्यवसायी बणिक महासंघ सहित आमर गोटे सेक्रेटेट मीटिंग होता आम पदाधिकारी उपस्थित थे ସେଠି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଆମେ ଆଳୁ ପାଇବୁ ଏବଂ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଚଢ଼ା ଅଧିକ ହେଉନାହିଁ, କେବଳ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଯାହା ଟିକେ ଅଧିକା ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଡିସିସନ ନେଲୁ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି 10-20 ଟ୍ରକ୍ ସେମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ। ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶଠୁ ଆଳୁ ଆଣିବୁ ଆଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲଠୁ ଆଳୁ ଆଣିବା। धीरे धीरे हम आए हैं इटावा से आलू। मालिक से खुद का मैं मालिक हूँ तो यहाँ बात हुआ है, बात होने के बाद सीधे लेके यहाँ आ गया हूँ। मैं कल शाम को आया था। अब ये मेरे को अच्छी तरह कंफर्म नहीं है क्या रेट है। अब यहाँ तो बिक्री के हिसाब से लेके आए हैं। हाँ, मैं तो भाड़े पे आया हूँ। टोल हमारा आया है 11,500 रुपये। हाँ, बढ़ना तो चाहिए क्योंकि खर्च ज्यादा आ रहा है। डीजल भी खर्चा ज्यादा आ रहा है और करीब 55,000 रुपये डीजल खर्चा आया।